डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के दूसरे पार्ट में बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की, जो कि कंप्यूटर की हम सामान्य अपने जनजीवन में देखते हैं कि कहां कहां और किस किस रूप में हम इस कंप्यूटर को उपयोग में लेते हैं या ले सकते हैं। ये कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इवन आप मोबाइल भी लें तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी एक शॉर्ट कंप्यूटर ही है। ये कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। घरों में भी इसको हम यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यानी सभी संस्थाओं में आप जहां भी एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको ऑफिस पर किसी से होता हुआ मिलेगा और एडमिशन प्रोसेस और सारा सब हर लेवल पर आपको ये मिलेगा। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर रिसर्च होती है वहां मिलेगा, मेडिकल फील्ड से मिलेगा, हॉस्पिटल्स में मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिलेगा। इवन आप किसी भी दुकान पर चले जाएं तो आजकल लगभग सभी दुकानों पर ये मिलता है। तो ये एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे लगभग सभी कार्य किसी न किसी रूप से किसी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं और हमें इन पर निर्भर होना पड़ता है। घर की यदि हम बात करें तो घरों में हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, वॉचिंग मूवीज यूट्यूब पे या किसी और जगह पर हम इंटरनेट के माध्यम से मूवी भी देखते हैं, शोज भी देखते हैं, पढ़ाई भी कई काम में लेते हैं कंप्यूटरिंग के रूप में, सोशल मीडिया यूज करने के लिए काम में लेते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, गेम खेलते हैं, सबसे ज़्यादा आजकल बच्चे इसी में इंगेज रहते हैं, गेम खेलने के काम में घरों में काम में लिया जाता है, इंटरनेट एक्सेस से काम में लिया जाता है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से वार्तालाप भी करते हैं, मेल भेजी जाती है आजकल, अब आजकल चिट्ठियां लिखना लगभग बंद सा ही हो गया है, या तो हम किसी सोशल मीडिया व्हाट्सएप तरीके का कार्य में लेते हैं, या अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में या जिसको हम ईमेल भी कहते हैं उसके रूप में भी हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं। और हमारे लगभग हर कार्य को करने में कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर सिस्टम काम में आता है। आप लोगों की बात करें तो आजकल या आज की परिस्थिति में ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं तो वहां पर भी इसका एक अहम योगदान है। यद्यपि मोबाइल्स का भी बहुत यूज होता है लेकिन मोबाइल को भी यदि हम कंप्यूटर ही माने तो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम में भी हमारा इसका महत्वपूर्ण रूप है। तो घरों में हम अलग अलग रूप में इसको यूज करता हुआ देखते हैं, एक छोटे से बच्चे से लेकर और जवान या बुजुर्ग तक और महिलाएं पुरुष सभी को बराबर रूप से हम इसको प्रयोग में लेता हुआ देखते हैं। मेडिकल फील्ड में काम आता है, हॉस्पिटल्स में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी डायग्नोसिस हो, चाहे वो आपका एक्सरे करना है, आपके कोई मॉनिटरिंग है किसी प्रकार की, कोई टेस्ट वगैरह है, सर्जन्स हैं, आजकल सारी सर्जरी सब कंप्यूटर बेस्ड या इंटरनेट के माध्यम से उसको यूज करते हुए होती है, किसी दूसरी दूर जगह पर बैठा हुआ कोई डॉक्टर या अच्छा सर्जन वहाँ देख के किसी दूसरी जगह सर्जरी करवाता है। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम में, लैब सिस्टम में हम कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं या कुछ भी कराते हैं वहां भी कंप्यूटर ही यूज है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, आजकल आप हॉस्पिटल्स में जाइए तो सबसे पहले आपको अपना या तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो भी कंप्यूटर पे करता है, और आप दोबारा तिबारा जाएं तो आपको डाटा वहां पर पहले से फीड मिलता है, तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमारा कौन सा पेशेंट कब आया
और किस डॉक्टर से मिला, क्या उसको प्रॉब्लम की, वो सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए वो उनका अपना एक सिस्टम होता है। फार्मा में यूज़ होता है, सर्जरी में यूज़ होता है, तो मेडिकल में लगभग आपकी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्टर से मिलना हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे डायग्नोसिस हो, हर लेवल पर कंप्यूटर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। यानी कैलकुलेशन या उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट हम कंप्यूटर के माध्यम से लेते हैं। इंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं हम ऑनलाइन, गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन भी खेलते हैं, ऑनलाइन भी खेलते हैं, तो ये लगभग हमारे एक तरीके से एक इंटरटेनमेंट का भी अच्छा साधन है। म्यूजिक भी सुनते हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में या याद कर लीजिए हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हमारे मूवी इंडस्ट्रीज में आजकल सारे काम इस कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं, चाहे वह म्यूजिक कंपोज करना है या उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स देना है, ठीक है, उनकी एडिटिंग है वीडियोस की, वो सारी चीज़ें हम इसी कंप्यूटर के माध्यम से ही सब करते हैं। इंडस्ट्री में इसका हर जगह यूज है, हर लगभग हर इंडस्ट्री में, क्योंकि ये लगभग सभी तरीके के कार्य करने में बराबर से सक्षम है, तो एक ही कंप्यूटर सिस्टम को हम कहीं पर भी ले जाकर उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में इस्तेमाल करना पड़े, जो भी हमारा मटेरियल आ रहा है या जा रहा है उसका मैनेजमेंट में, जिसको कि हम इन्वेंटरी कहते हैं, कोई डिज़ाइनिंग प्रोसेस अगर है, क्योंकि हर इंडस्ट्री का पर्पस अलग अलग होता है, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है, तो उसी एक कंप्यूटर सिस्टम को हम अलग अलग रूपों में अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कार्य के लिए, अगर कोई डिज़ाइनर इंडस्ट्री में है तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम में ले सकता है, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में काम में ले सकता है, कोई ड्राइंग बनाने में काम में ले सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, स्टॉक मार्केट में चाहे आप यूज देख लें इसको, तो इंडस्ट्री में भी इसका बराबर से प्रयोग। एजुकेशन की यदि हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इसका अब यूज़ होने लगा है, जब से ये हमारी कोविड की सिचुएशन आई है, तो ऑनलाइन क्लासेस में इस कंप्यूटर सिस्टम एजुकेशन की डिलीवरी प्रोसेस में, यानी जो आपको टीचिंग उपलब्ध करवा रहा है जैसे मैं, या जो टीचिंग इसको ले रहा है लर्निंग प्रोसेस में, जैसे कि आप, दोनों को ही इसकी आवश्यकता होती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, पढ़ने के काम में लेते हैं, आजकल बुक्स लगभग सभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जर्नल्स भी अवेलेबल हैं, तो हम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उनको भी एक्सेस करते हैं, उनको भी पढ़ते हैं, और ऑडियो वीडियो के रूप में आपने देखा होगा कि आपको बहुत से वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, किसी भी टॉपिक पर आप ऑडियो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई टेक्स्ट मेथड या किसी अन्य रूप में आपको कोई भी टीचिंग मटेरियल बहुत आयत से उपलब्ध मिलेगा। तो इसको बनाने में और इसको उपलब्ध करवाने में, उस टीचिंग मटेरियल को एक्सेस करने में हर जगह कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, आपने देखे हो सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट सिस्टम में या उनके ऑफिसेज में यूज़ है, चाहे आप सेल्स टैक्स में चले जाएँ, इनकम टैक्स चले जाएँ, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, डेट ऑफ बर्थ का बनवाना है या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, या आपको कोई वोटर कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, गवर्नमेंट के हर मशीनरी में, हर डिपार्टमेंट में इस कंप्यूटर का उपयोग बराबर से किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम आजकल आपने देखा है सारा ऑनलाइन है, पुराने ज़माने के जो लेजर्स हुआ करते थे, इंट्री हुआ करती थी, आजकल सब वो बंद है, सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से ही है, चाहे आपको पैसा निकलवाना है या आपको अपने पासबुक में एंट्री करनी है, डीडी बनवाना है या कोई कैश करवाना है,
आपके खाते की कोई भी जानकारी लेनी है, फिक्स डिपॉजिट करना है, सारे काम बैंक के आपने देखे होंगे अब सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं। एटीएम मशीन्स हैं, वो भी एक कंप्यूटर है, पैसों का लेन देन सारा सब वहाँ पर होता है, वो भी एक कंप्यूटर है। इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसीज कराते हैं, चाहे आप वाहन का बीमा करवाएं या अपना बीमा करवाएं या कोई अन्य बीमा कराएं, फसलों का बीमा कराएं, कुछ भी कराएं, तो हर इंश्योरेंस कंपनी भी आजकल सब कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज करती है और उसी के माध्यम से आपको बताती है कि कौन सी पॉलिसी अच्छी रहेगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसका कितना आपको पेमेंट करना है, कब इसका इंस्टॉलमेंट आपको ड्यू हो रहा है, मैच्योरिटी डेट क्या है, इंटरेस्ट आपका क्या बनेगा, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या बोनस है, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी पॉलिसी जहाँ से हमने लिए वहाँ से पता कर सकते हैं। तो वो कंप्यूटर सिस्टम में देख के आपको तुरंत ही सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा देता है। बिजनेस में चाहे वो हमारी बड़ी फैक्ट्रीज हैं तो आपको पेरोल बनाना है उनका या बजटिंग करनी है, अपने सेल्स की एनालिसिस करनी है, इस सारे कामों में चाहे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, एम्प्लॉय का डाटाबेस है, जहाँ बड़ी कंपनीज हैं हजारों व्यक्ति काम करते हैं उन सबका डाटाबेस मैनेज करना, उनकी सैलरी मैनेज करना, स्टॉक मेंटेन करना, वो सारा काम कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ही होता है। उनका इनकम, उनकी लॉस, उनका प्रॉफिट, उनके एक्सपेंसेस सारा सब कंप्यूटर के द्वारा किया। ट्रेनिंग में भी हम कंप्यूटर सिस्टम को काम में लेते हैं, आपने देखा होगा आजकल लगभग सभी ट्रेनिंग या तो जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग हैं, वेबिनार्स होते हैं, या आपको कोई ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर सिस्टम को ही बहुत आयत में यूज़ किया जाता है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वहाँ पर कंप्यूटर का बराबर से उपयोग है। आर्ट्स के फील्ड में, आर्ट्स से मतलब हमारे यहाँ आर्ट सब्जेक्ट का नहीं है, चाहे वो पेंटिंग है या कोई ड्राइंग है, वहाँ भी हम इसको बराबर से यूज़ करते हैं। डांस आपकी है, फोटोग्राफी है, आर्ट्स है, कल्चर है, हर जगह इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना आपको मिल जाएगा। फोटोग्राफ्स हैं तो हम फोटोग्राफ्स को भी एडिट करते हैं, आपने देखा होगा आजकल ये भी बहुत काम चल रहा है, वीडियोज एडिट करना, फोटोज एडिट करना, वो एक अलग तरीके का है, लेकिन हम लगभग वो सारे काम इन्हीं कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसका सर्वाधिक उपयोग है, सारे डाटा की एनालिसिस, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको मैनेज करना कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर लाखों करोड़ों गणनाएं हमको करनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, ईमेल करते हैं, चैटिंग करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो इवन मोबाइल पर बात करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, आपके हाथ में भी कंप्यूटर है और जिसके थ्रू आपसे बात हो रही है, तो वो भी पता नहीं कितने कंप्यूटर्स के थ्रू वो वॉइस या आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है। कम्युनिकेशन में इसका बराबर से उपयोग है। मिलिट्री में सेनाएं हमारी यूज़ कर रही हैं, चाहे वो मिसाइल्स दागनी है, मिसाइल का कंट्रोल है, मिलिट्री का आपस का कम्युनिकेशन है या उनके ऑपरेशन हम प्लानिंग में है, स्मार्ट डिफेंस उनके बनाने में, डिजाइनिंग में, इनके प्रोडक्शन में, इन सब चीज़ों में हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में या उपयोग में लाए जाने वाले इसके कुछ बिंदु हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आपके हमारे जीवन प्रणाली के लगभग हर हिस्से में हम इस कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग में लाते हुए दिख जाते हैं और हमें इसकी उपयोगिता महसूस होती है।